आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, आज मैं एक वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, और ये वो चीज़ जिसका दुनिया में तहलका था, लाल किताब। सबने नाम सुना होगा, सबने तो नहीं कह सकता, मगर वो ज़रूर जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या जो जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और फॉर्चुनेटली आज हमारे साथ जो इसके जनक थे लाल किताब के, पंडित रूप चंद जोशी जी, ये इन्होंने एक ऐसा पीरियड था वाला, एक ऐसा गोल्डन पीरियड था कि वो कहते थे कि ये जो कलम मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इनका ओरिजिनल पेन है। और ये वो पेन है कि ये अभी बताएंगे कि इससे, वो कहते थे अगर लिख दिया कि फांसी माफ़ हो तो जज को फांसी माफ़ करनी पड़ती थी, इतना इतना पावरफुल, इतना मैग्नेटिक इसके अंदर अट्रैक्शन। और वो सब चीज़ें जो ओरिजिनल चीज़ें थी, ओरिजिनल लाल किताब की जो जो मूल ग्रंथ थे, वो क्या थे, कैसे थे, हमारे ये पुलिस ऑफिसर हैं शर्मा जी, रमेश शर्मा जी लुधियाना में, इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। लुधियाना आया हुआ, फॉर्चुनेटली मिल गए, तो मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खोजी प्रवृत्ति का हूँ, तो लाल किताब का मैं भी बहुत देखता रहता हूँ, मगर जो आज इनसे चीज़ें मिलेंगी वो वास्तव में यूनिक होंगी। आप क्या बताएंगे हमें, सबसे पहले तो बता दीजिए कि पुस्तक आपकी कब लिखी थी, किन किन वर्षों में लिखी थी जोशी जी ने? ये आपकी, ये मैं पन्ने भी खोलता चला जाता हूँ जी, आप बताएं। जय श्री राम जी, मैं रविंद्र शर्मा पंडित रूपचंद जोशी जी का नाती हूँ और भाग्यशाली हूँ आज गोपाल राजू जी के साथ बैठा हूँ। तो ये ओरिजिनल लाल किताब है जी, जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी, और जो ज्योतिष में क्रांति कही जाती है, ये वो किताब है जो उन्होंने 1952 में लास्ट टाइम में लिखी, जिसकी आज हम सारी दुनिया में धूम देख रहे हैं, जिसे फ़ायदे ले रहे हैं, ये वो लाल किताब है। इसके बाद ये पार्कर का गोल्ड निब का वो पेन जो पंडित रूपचंद जोशी जी यूज़ करते थे रेड इंक के साथ, लेकिन मैंने कभी इसमें इंक यूज़ नहीं की, ना मेरी इतनी हस्ती है। इससे वो जो भी लिख देते थे वो बदला नहीं जा सकता था। लगभग 30-35 आदमी को जब फांसी की सज़ा हो चुकी और इससे लिखने के बाद वो सज़ा माफ हो गई, बाइज्जत घर को चले गए, शाबाश। ये वो धरोहर है जो समाज में, हम आज बहुत से लोग कह रहे हैं मैं लाल किताब करता हूँ, लेकिन उन्होंने लाल किताब देखी भी नहीं होती। अच्छा, इनकी मैं एक बात आपके बीच में रोक रहा हूँ शर्मा जी, ये इनकी कितनी किताबें लाल किताब की लिखी अपने जीवन में इन्होंने? पंडित रूपचंद जोशी जी ने जी, वैसे लाल किताब 1952, 1939, 1942 और इसके बाद अरमान, फरमान, लगन सारणी और वर्षफल, ये 7 किताबें लिखी। ये जो है ये वर्षफल आप बता रहे हैं, ये भी ओरिजिनल है? हाँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये लाल किताब का ओरिजिनल वर्षफल है जो आज मार्केट में अवेलेबल है, उसमें कुछ सालों की गलती हुई है, जिसकी वजह से आप जब टेबल देखते हैं तो गलत वर्षफल बनने से रिजल्ट नहीं आ रहे। ये ओरिजिनल वाला वर्षफल है जो पंडित रूपचंद जोशी जी यूज करते थे, उन्हीं के हाथ से उन्हीं का ही लिखा हुआ ये है। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उनके 7 बच्चे पैदा हुए, 5 बच्चों की मौत हुई। जिस दिन किताब प्रिंट होके घर आती थी राजू जी, उस दिन घर से एक लाश बाहर जाती थी। अच्छा, सेम उसी दिन, ये बड़ी विचित्र से बता रहे हैं। हाँ, एक घर से लाश बाहर जाती थी तो किताब अंदर आती थी। कितनी कुर्बानी देने के बाद उन्होंने ये हमें ये किताब दी है, तो फिर जब लोग इसको मिसयूज करते तो दुख लगता है। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताएं, ये आपने इनके फिर जोशी जी की विरासत किसको मिली, आगे किसने इनकी संभाली, क्योंकि आप नाती हैं इनके? हाँ, मैं सबसे क्लोज आप ही हुए जी, तो कौन, मतलब फिर किसके विरासत में? मेरे नाना जी के 2 बच्चे थे, एक मेरे मामा जी, हाँ, एक मेरे माता जी। हाँ, तो मेरे मामा जी तहसीलदार थे, वो अभी हैं दुनिया में हैं, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत विद्वान है। फिर इस धरोहर को उन्होंने संभाला। अच्छा, फिर मैं मेरे तो वो नाना जी थे, फिर मेरे को सपने में दिखाई दिए कि तू ज्योतिष कर, टेबे देख। मैं 1993 31 दिसंबर तक जोशी नहीं था, तो पुलिस ऑफ पुलिस 1993 तक, और 1 जनवरी 1993 को मैं जोशी जॉब में तो अभी भी हैं, आज भी हूँ। ओके ओके ओके, तो मैं तो जॉब करता हूँ, मेरी जॉब लग गया कहाँ, पुलिस डिपार्टमेंट। इनके बेटे, इनके मेरे मामा जी वो हैं, वो पंचकूला में रहते हैं, कनेडा में ज़्यादा रहते हैं वो, तो उनका वो करते हैं,
वो ज्योतिष करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, लाल किताब का करते हैं वो, लाल किताब हमारे परिवार में लाल किताब। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए मुझे, हमें अगर आप बाज़ार में जाएंगे, ठीक है अर्जुन भाई, आप देखेंगे, आप तो खैर कीड़ा है इस चीज़ के देखते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया भर की लाल किताबें मिल रही हैं जी, जो इससे बिल्कुल अलग है जी, कहीं लेना देना नहीं है, और लोगों ने अपने टोटके चालू कर दिए, लाल किताब दे टोटके, लाल किताब दे टोटके जी, मतलब पंजाब से ऐसी हवा चली कि सबके सुनो टोटके टोटके लाल किताब दे टोट, तो वो क्या है उससे, इससे भी लेना देना है इससे? नहीं, जितनी भी आज तक मार्केट में इसकी ट्रांसलेशन की हुई बुक्स आई हैं जी, वो कोई भी इससे मैच नहीं करती, क्योंकि मैं खुद ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मेरे थोड़े से पेज रहते हैं, थोड़े दिनों में जल्दी मेरी खुद की किताब मार्केट में आ जाएगी। अच्छा, मुझे दो तीन चीज़ें इसके विषय में और पता करनी है, लाल किताब के विषय में। जी, जी। ये हमें जहाँ तक पता है, नई सड़क दिल्ली से इसका ट्रांसलेशन हुआ था जी, और ट्रांसलेशन वो रजिस्टर के फॉर्म में था, जी। दो रजिस्टर बनते थे 1214-1414 पेज जी, के, बहुत पुराने, और वो साइकिल स्टाइल करके तब उसको निकाले जाते थे जी, जी। तो वो इसी की कॉपी है या कुछ और चीज़ थी? नहीं, ऐसे ना, जितने भी विद्वानों ने इसको ट्रांसलेट किया जी, पेज टू पेज, वर्ल्ड टू वर्ल्ड, किसी ने नहीं किया, क्योंकि लाल किताब ओरिजिनल के 1173 पेज हैं, ये जो ओरिजिनल है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं, आपने बताया 1939, 1942, 1952 जी, इन किताबों में डिफरेंस क्या क्या रहा? जी, जब इन्होंने पहली बार लिखी ना, हाँ, तो इन्होंने किताब लिखनी शुरू की लाहौर से, हाँ, लाहौर से अमृतसर आए, अमृतसर से शिमला गए, हाँ, तो शिमला के टुट्टीकंडी एरिया में इनकी रहायश थी, एरिया का नाम था टुट्टीकंडी। अच्छा। तो आर्मी में अकाउंट ऑफिसर थे जी, तो जब इनको जितना लगा कि ये लिख दी, फिर लगा नहीं इसमें और अमेंडमेंट किया जा सकता है, फिर उससे बड़ी लिखी, फिर उससे लास्ट में जब 52 लिखी तो ये फाइनल कर दी गई, ये फाइनल की ये फाइनल हो 19 बैच वाले। अच्छा, इसका हमने सुना कि आप इसका ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। हाँ, मैं आपकी दुआ से, आपके प्यार से इसकी ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन कर रहा हूँ। हिंदी, आपको हिंदी में उर्दू में कंपेयर करना बड़ा आसान हो जाएगा कि इस पेज पे इस लाइन में ये लिखा हुआ है। तो उसकी क्या पोजीशन है अभी? अभी उसमें कुछ 100 लगभग 100 पेज कम है, वो मुझे उम्मीद है कि इस साल आपके हाथों में आ जाए। ऑलमोस्ट कंप्लीट, कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। हाँ जी। तो आप जैसे आप मतलब प्रोफेशनली भी करते हैं आप? मैं प्रोफेशनल इस समय कर रहा हूँ जी। अच्छा, और मैं साथ में ये बता दूँ कि मैं सिखाता भी हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है मैं सिखाने के पैसे नहीं लेता और ऑनलाइन सिखाता। तो आप जैसे हमारी मैडम जी जी, ये तो हमारे अर्श शर्मा जी हैं ये जी, तो आप भी सीख रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, कुछ मिला? बहुत कुछ नहीं, मैं तो भाई स्पष्टवादी आदमी हूँ, कुछ मिला मतलब हासिल हुआ? नहीं, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ। कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जो मतलब हमारी समझ से परे थी, कि मैंने इनको ज्योतिष करते हुए देखा है, तो कैसे ये मतलब एक जस्ट फेस रीडिंग मतलब करके कर लेते हैं कि एक बंदे को देखा, मतलब उसको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, कहीं कहीं से आया और उसके बारे में बोल रही है बंदा ऐसे 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 इसके, तो इसके मतलब मान लीजिए कोई, जैसे हम तो भाई इसलिए करते हैं कि ये आम दुनिया में जाए तो हर आदमी का इंटरेस्ट होता है अपने बारे में पूछने के लिए, तो जैसे आपसे कोई पूछता है हमारे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, तो उसमें क्या रियायत करेंगे आप? सबसे पहली चीज़ देखो, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है, जैसे लाल किताब ने कहा है, कर भला हो भला अंत भले का भला, मैं पैसे के लिए या ईमान बेच के ज्योतिष नहीं करता, चाहे जिसके पास पैसे नहीं हो मैं उसका चेहरा ज़्यादा देखता हूँ और खुशी से देखता हूँ। तो मतलब आप हमारे हम आपका नंबर डिस्प्ले कर दें? आप बिल्कुल कर दो जी। तो आप हमारे मतलब शर्त यह है कि मैं आपसे कोई पैसे लेके वीडियो नहीं बना रहा जी, बिल्कुल नहीं, और कहीं भी ये ना लगे कि आप इसके हमारे वीडियो के माध्यम से दोहन हो रहा है, नहीं, जैसे बाजार में आप चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए, ओरिजिनल चीज़, मैं एक चीज़ मानता हूँ, पैसा लेना बुरा नहीं है, बुरा है न्याय ना करना किसी भी विषय के साथ, चाहे कोई भी प्रोफेशन है, तो वो आप न्याय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। देखिए, काम पैसे कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें, इस चीज़ का विशेष ध्यान नहीं, पैसा उतना कमाना चाहिए जिससे जरूरतें पूरी, तो नंबर इतना नहीं कि किसी का खून हम पी रहे हैं। नंबर हम आपका उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अच्छा, हमारे अर्जुन भाई हैं ये तो हमारे बड़े विद्वान, परम विद्वान हैं, बेसिकली बता दूँ इनकी 6 चीज़ों में ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं जी, और बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं ये, PhD करी हुई इन्होंने, असिस्टेंट इंजीनियर हैं लोक निर्माण विभाग में देहरादून उत्तराखंड से। क्या बताएं, आप क्या पूछना चाहेंगे, जो ऐसी चीज़ जो दुनिया में जाए
कोई ऐसा विषय पूछे आपने? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाल किताब से जैसे कि आदमी एक सटीक एनालिसिस निकाला जाए, कि आदमी ये ना निकाले कि जैसे कि ये ग्रह बकरी हो गया, वो हो गया, जो वैदिक ज्योतिष में आता है कि इसलिए इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो लाल किताब क्या इस बारे में बिल्कुल सटीक बोलती, क्या उसका बकरी ग्रहों का असर नहीं पड़ता? क्या बोलेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल सच्ची बात है। लाल किताब कहती है कि राशि छोर नक्षत्र भूला ना ही कोई पंचांग लिया, राशि छोड़ नक्षत्र भूला ना ही कोई पंचांग लिया, मेख राशि खुद लगन को गिन के 12 पक्के घर मान लिया। वो कहती जब पक्की अलॉटमेंट कर दी गई घर को, तो वो एक साल उसी घर में रहेगा, ना मार्गी होगा ना बकरी होगा। उनके तो पक्के घर कच्चे घर दो शब्द अलॉटमेंट हो जाते हैं। तो जैसे मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, कहने से पहले माफी चाहता हूँ कि आपके फेस से लगता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक इंसान हैं, किसी का प्रेशर कभी आप टॉलरेट नहीं करते, लेकिन आपकी जो आत्मा फीलिंग भावनाएं होती हैं बहन और बेटी में होती हैं, ये दोनों को आपसे बहुत प्यार होता है। सही है, तो कुछ मेरे मैं बदमाश लगता हूँ? हाँ, अब हर आदमी को अपना भाई बदमाश ही लगता है क्योंकि बड़े भाई से डरना पड़ता है। नहीं, फिर भी मतलब नहीं, आपकी आंखों से वो नूर दिखाई देता है ना, जैसे कहते हैं आप भगवान की फोटो देखो वो कभी खुली, बहुत खुली आंखों से नहीं होती। इसी तरह गोपाल राजू जी की जो आंखें ना, वो एक नशे से भरी हुई है, ज्ञान से भरी हुई है। नहीं तो शराब का नशा भी तो हो सकता है? नहीं, शराब का नहीं हो सकता, ज्ञान का नशा और शराब के नशे में बहुत फर्क है। नशे शराब के नशे में पैर डगमगा जाते हैं, ज्ञान के नशे से पैर टिक जाते हैं। पहली बार है जीवन में हमारे एंकर जी, बता दूं आपको कि ये मेरे बारे में कोई, मैं जनरली मैं अपने बारे में नहीं पूछता, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरा उसूल था कि सबसे पहले अपने आप को भूले तब आगे बढ़े, और आज तक उसको मैं अमल करता हूँ। तो इन्होंने जो बताया, और कोई विशेष बात बता दीजिए ताकि मैं उसमें अलर्ट रहूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर भगवान ने चाहा तो लास्ट समय में गोपाल जी अपने घर में नहीं होंगे, अंतिम समय अपने घर में नहीं होंगे। एक संन्यास होता है, विराग होता है, गोपाल जी को संन्यास नहीं है, विराग है। विराग जवान से नहीं, विराग आंखों से निकलता है, जिसे हम लोग कभी कभी आंसू कह देते हैं। अगर मेरी फिर भी कोई बात गलत हो तो आपने जो डरा दिया, डरा नहीं दिया, मैं उसका रीजन क्या है बता दूं। मैं घुमंतु प्रवृत्ति का हूँ, मैं घूमता रहता हूँ आज भी, फेमस है मेरे बारे में। तो मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं चलते हुए मरूँ, बिस्तर पर नहीं मरूँ। इस विषय में आप क्या कहेंगे? बस वो एक दोष आपके तो ब्रह्म वाक्य है आपका, और इससे लिख दिया भैया अगर, तो वो तो फिर ये तो बिल्कुल नहीं, इतनी मेरी हस्ती नहीं है कि मैं इस पेन से लिख सकूं। हाँ नहीं, वो हाथ हाथ संभाल सकता हूँ, तो उस विषय में क्या, क्या, क्या कहेंगे आप? उस विषय में दो शब्द मुझे बता दें। क्यूरियोसिटी कि मैं मतलब बिस्तर पर मरूंगा या नहीं? बिस्तर पर नहीं मरोगे, और आप दिन के वक्त दुनिया से जाओगे, रात को नहीं, बिस्तर पर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीजें बताई हमें, और ये वो चीजें। हाँ जी पूछे, जैसे आप बताइए सर कि लाल किताब के आप ट्रीटमेंट, आपने बताया इस किताब में ट्रीटमेंट होंगे जी जी। तो क्या इसके साथ जो आज की दुनिया में आज के जो तथा कथित ज्योतिषी कहते हैं, मैं कंडेम करता हूँ इसका, है ना, अपना अपना धंधा है खैर, पर मैं इस टेंडेंसी का, क्या इसके साथ स्टोन वैदिक ज्योतिष लाल किताब अगर साथ करें तो क्या तब भी यही प्रभाव पड़ेगा लाल किताब के उपायों का? देखिए, लाल किताब कहती है ना गला तकदीर अपनी ना ही खुद तहरीर हो, सबसे उत्तम लेख गए भी माथे की तकदीर हो। लाल किताब भगवान को मानती है, वो कहती है अगर तू नग मोती पहनेगा तो टूने टोटके करेगा तो तेरे को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि लाल किताब सिद्धांतों पर है, माँ बाप की सेवा करो, घर की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, आस पड़ोस वालों से बना के रखो, तो कष्ट वैसे ही नहीं आएगा। लाकताब नाग मोती कभी रिकमेंड नहीं करती, मतलब गंडे ताबीज ये नहीं मानती, ये नहीं लाल किताब में कहीं। वो कहती भगवान को मानो, अपने परिवार से प्यार रखो, नौ ग्रहों के नौ रिश्तेदार हैं। अगर मान लो हमने बृहस्पत का उपाय करना है, बाप को गालियां निकाली तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। मंगल का उपाय करना है तो बड़े भाई को गालियां निकाली, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। वो कहते पहले परिवार में तालमेल रखो तो रिजल्ट जरूर आए। मुझे एक चीज़ ये बताइए, जैसे हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं आम रूप से,
ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में भी कोई चीज़ें जाएं। पिता पुत्र में शत्रुत व्यवहार है, यानी कि एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी तो मैं भी मानता हूँ कि अगर हम माता पिता की सेवा, माँ के पिता की सेवा करेंगे तो सूर्य प्रबल होगा हमारा, माँ की सेवा करेंगे तो चंद्र हमारा प्रबल होगा। तो लाल किताब में ऐसी चीज़ें मिलती हैं क्या? बिल्कुल, लाल किताब में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लाल किताब में सबसे एक बढ़िया चीज़ है जो हाथ में चांदी का कड़ा पहनाया जाता है, शायद इसकी सच्चाई कम लोग बताते हैं या जानते हैं। कड़ा क्यों पहनाया जाता है? चंद्र को जैसे माँ कहा गया है, चांदी को चंद्र कहा गया है, तो ये माँ का पेट है, ये गर्भ है। जब तक हम माँ के पेट में रहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो आएगी माँ को आएगी, जो माँ खाएगी वो हमें मिलेगा। तो जब तक हम चांदी धारण करके रखते हैं तो हमें कोई दूसरी शरारतें टूने टोटके असर नहीं करते। अगर हम माँ की सेवा नहीं कर सकते तो चांदी पहनने का भी कोई फायदा तो नहीं। चांदी किसी भी रूप में पहने? नहीं, ठोस रूप में। वहां लिखा हुआ है जिस्म पे ठोस चांदी कायम करे। जैसे चेनी पहनना कोई रिजल्ट नहीं, लॉकेट पहनना कोई रिजल्ट नहीं, ठोस चांदी। तो ये एक ही चांदी को ही मेटल को प्रेफर किया है उन्होंने, और भी बहुत सारे मेटल, जैसे मैं बताता हूँ, मेन चांदी के लिए कहा गया, और जो ग्रह साथ में सपोर्ट दे रहा हो उसकी पिन लगवाई जा सकती है, वो आप बताएंगे। हाँ, चांदी में कड़े के क्लेबे के मुताबिक वो लाल किताब वाला बताता है। हाँ, वो बताता है कि इसमें गोल्ड की पिन लगवानी चाहिए, कॉपर की पिन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी। पिन मतलब रिपीट? हाँ, रिपीट। हाँ, अच्छा जी। तो मतलब डिफरेंट धातु के भी रिकमेंड किया हुआ है लाल किताब ने। हाँ बिल्कुल। और उसमें पिन बताएं कि जो ग्रह को बलवान करना है उसके लिए। बिल्कुल। तो अब जैसे ये मान लीजिए उपाय जो करते हैं, तो ये कच्चे घर का करते हैं, पक्के ग्रह का करते हैं, या मैलिफिक प्लैनेट्स का करते हैं, या स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का करते हैं, यानी कि कमज़ोर ग्रह को बलवान बनाते हैं, बलवान ग्रह को और बलवान करते हैं? देखिए, लाल किताब में ऐसे होता है कि जब एक हर एक नौ ग्रहों के एक ग्रह का एक ग्रह दोस्त है, एक ग्रह का एक ग्रह दुश्मन है। जब दुश्मन की दृष्टि पड़ रही है तो ग्रह को कमजोरी आ जाती है। अगर वो ग्रह अच्छे घर में बैठा तो बलवान होता है। तो वहां पे तीन चीजें की जाती हैं, ग्रह को जल प्रवाह कर देना, जल चंद्र होता है, कि चंद्र मतलब माँ के हवाले कर देना, जल देवता के हवाले कर देना। मैं समझ गया, क्योंकि देखिए तो ऐसा विषय है कि घंटों इसमें कम है, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए हम किसी का नाम नहीं लूँगा, सब मेरे मित्र हैं, बाज़ार में आप देखिए ना, वो लाल किताब के टोटके, लाल किताब किताबें बता रहे हैं, वो पूरी पूरी छप के दे रहे हैं किताबें, कीमतें उसकी 21,000, 41,000, 25,000, 20,000, तो वो क्या चीज़ें हैं? सब लाल किताब से बेस हैं या उनके अपने? नहीं देखिए, वो तो उनका व्यापार है, अपनी ईजाद करी हुई चीज़, उनका व्यापार है। जैसे हम किसी किताब के बारे में कहें टोटके, टोटके शब्द अच्छा नहीं लगता, तो टोटके तो इसमें उपाय शब्द बोलना नहीं, तो लाल किताब के टोटके तो इसमें भी आता है शब्द? नहीं, लाल किताब के उपाय आता है। अच्छा, इसमें कभी है ही नहीं लाल किताब के टोटके? टोटके शब्द इसमें नहीं आता। अच्छा, तो ये हमारा बनाया हुआ है, ये 1173 पेज है, उसके बाद इसका इंडेक्स आता है, उन्होंने उपाय लिखे हैं लाल किताब के उपाय। उपाय लो, ये नई चीज, बैटिंग शब्द एक यूज करते हैं वो नहीं कि लाल किताब के टोटके, नहीं, सब आदमी के दिमाग में कि लाल किताब के टोटके, तो लाल किताब के टोटके नाम के कहीं नहीं, नहीं कहीं नहीं। आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सपोज कई लाल किताब एक्सपर्ट हैं, है ना, वो लाल किताब के उपाय के साथ साथ स्टोन भी रिकमेंडेड करते हैं, वही तो बताया स्टोन के रिकमेंड नहीं करते, वो पता नहीं स्टोन गंडे ताबीज इसको तो वही तो बता रहे नहीं करते ऐसा। मगर एक चीज़ मैं और कहूँगा, आप देखेंगे एक ऐसा कम्युनिटी है जो सिल्वर ही प्रेफर करते हैं जी, एक ऐसा समाज है, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन है, किस जात के हैं, क्या हैं, तो वो उनके यहाँ तो कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए, मगर उनके यहाँ देखिए भूत प्रेत तो इधर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उस कम्युनिटी में आती हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? जो सिल्वर है ना जी, जी एक्चुअली ये चंद्र है, और हर एक का चंद्र अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा, वो भी अलग है, वो अगर बारिश नहीं हो रहा मैं छाता लेके घूमूं तो लोग कहेंगे यार डिस्टर्ब हो गए, तो कि नहीं। ओके ओके ओके, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये मैंने चीज़ें भी देखी दिखाई आपको, ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें यूनिक, विशेष रूप से पेन ये हमारा जोशी जी का, उनके हाथ का पेन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने इतना समय दिया, विशेष रूप से मैं आपसे वादा करता हूँ गोपाल राजू जी के सम्मेलन में मैं आपको ऐसी कुछ और चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा जो पंडरूप चंद जी की पर्सनल। हाँ, ये साथ साथ ये भी सबमिट कर दूँ मैं कि जो हमारा अखंड परिवार मिलन होने जा रहा है हरिद्वार में 22-23 नवंबर को नकलंग धाम में, उसमें भी अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ऐसे लोग जोड़ रहे हैं जो लगे कि वास्तव में कुछ ऑथेंटिक हैं, कुछ सार्थक है,
फेक नहीं है और केवल 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 कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है। इतना सा मात्र संदेश। सीताराम और आप लोग गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको मिलते चले जाएंगे। सीताराम।